वेलकम स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 10th फिजिक्स. क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर भी 10th चला हुआ है. इसमें पहला हाफ पोर्शन उसका कंप्लीट हो गया. पहला जो हाफ पोर्शन हमारे पास जिसके अंदर हमने मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा वो कंप्लीट हो गए. न्यूमेरिकल भी दोनों के एक साथ करवाएंगे. कल एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इसके न्यूमेरिकल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिरर और लेंस दोनों के एक ही साथ करवा देंगे. अलग अलग करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, एक ही साथ करेंगे. इसके अंदर हम भाई रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. रिफ्रैक्शन के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. क्या होता है रिफ्रैक्शन समझने की कोशिश करो. बिल्कुल आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं. 10 मिनट ध्यान दिया, टॉपिक आपके हाथ में. ठीक है, हम क्या देखते हैं, चलो वैसे बात करते. पहले मैंने शुरू वाले लेक्चर में मीडियम का डिस्कस किया, मीडियम के बारे में डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था कि भाई सपोज करो ये आप बाइक लेके चल रहे हो, इधर पे कोई भी एक बाइक है, कोई भी एक मान लेना, इस पे एक इंसान इस साइड जा रहा है. ठीक है, शुरू में जा रहा है वो हाईवे से मूव कर रहा है वो. ठीक है, उसके बाद वो ट्रेवल करता करता आ गया किसी गांव में. मतलब सड़क पक्की है यहाँ पे भी, जो लेंटर और टाइल वाला जो रोड वो है यहाँ पे. हाईवे से टाइल पे आ गया, फिर आ गया वो कच्चे रास्ते पे, जो रेत होता जो हमारा उस पे आ गया. अब हम यहाँ से काम आने वाले थे, हमने कहाँ पे भेज दिया उसको, जहाँ पे कीचड़ भी मिट्टी तो है ही है, उसमें पानी भरा हुआ मिट्टी में, उस रास्ते पे हमने इसको भेज दिया. ठीक है, ये चार, पहला हाईवे पे, फिर गांव में टाइल वाले रोड पे, फिर रेत में, और लास्ट में कहाँ पे आ गए वो पानी में. चार केस हो गए हमारे पास. पहले हमने क्या माना, वो हाईवे पे ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड तेज होगी, फुल स्पीड में ट्रैवल कर रहा है. यदि यहाँ पे थी उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ आगे कितनी हो जाएगी वो, मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर. हालांकि इतने में गांव वाले पीटी देंगे उसको, पर हम मानते हैं कि कितनी है वो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. जब वो रेत में जाएगा तो 30 किलोमीटर पर आवर, और जब पानी आ गया तो या गिर भी सकता है वो, या तो गिर ही जाए, या फिर हम क्या मानते हैं यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है. चार केस मान लिए हमने, चार डिफरेंट केस मानने यहाँ पे. अब इन चार केस से हमें पता क्या चला है, ये पता चला भाई, जैसे अब ये मैं कह रहा हूँ ये चारों क्या है हमारे पास भाई, चारों मीडियम क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम है हमारे पास ये चारों. मान लिया आपने ये बात, मान लो है ऐसा. अब हम क्या देखते हैं यहां पे कि भाई जैसे ही मीडियम चेंज होता है स्पीड चेंज होती है. यदि भाई मैं ये सेम केस आपको लाइट के केस में, यहां पे तो बाइक थी, बाइक से लाइट पे जा रहे हम, लाइट के केस में मैं बात करूं कि जब हमारे पास चार डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम होंगे उस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी. किसी मीडियम में जहां पे पार्टिकल कम होंगे वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, जहां पे पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, कम. अब जैसे ही लाइट की स्पीड चेंज होती है एक मीडियम में से दूसरे में आगे, लाइट की स्पीड चेंज होगी तो सीधी सीधी बात है भाई उसका रास्ता भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो रास्ता भी चेंज हो जाएगा. उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलेंगे उसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखो अभी इसको एक बार लिख लेते, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में. द फिनोमिना ऑफ चेंज इन
पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम. द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बिल्कुल आसान है, सेम भैया अभी जो आपको बताया था. यदि मीडियम चेंज होगा तो भाई लाइट का जो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो रास्ता भी चेंज होगा, सीधी सीधी बात है. इस केस मीडियम बात करें भाई, ये हमने कोई एक फर्स्ट मीडियम ऊपर वाला, सेकंड मीडियम हमने नीचे वाला मान लिया. एक कोई भी लाइट रे आगे यहाँ पे टकराई, ये हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया. तो उसको यदि ये मैं एयर की बात कर रहा हूँ भाई, ये ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको इस तरीके से आना. एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ग्लास में पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होते हैं. तो यहाँ से जाना था और वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही, मतलब जो नॉर्मल है ना उसकी साइड बेंड होगी. अब इस चीज़ का मतलब भी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ अभी, फिर पता लग जाएगा कि टुवार्ड्स द नॉर्मल जाए या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए, उस चीज़ का क्या फ़र्क होता है. ठीक है, तो ये था हमारे पास ये एंगल आई, ये एंगल क्या आ गया हमारे पास आर. एंगल आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल आर क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये चीजें हैं. ठीक है, अभी इसके अंदर लिखेंगे कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन किसके कारण होता है, द मेन कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज चेंज इन द मीडियम मीडियम ऑफ लाइट. कि भाई उसके पीछे जो मेन रीजन है किसके कारण रिफ्रैक्शन होता है वो क्या है हमारे पास, मीडियम का चेंज होना. जैसे ही मीडियम में चेंजमेंट आएगा हम क्या देखते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन तो हो गई. ठीक है, अब इसकी यदि लॉ की बात करें हम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट यदि हम लिखें, द इंसिडेंट रे, नहीं ये रहने दो, चलो द इंसिडेंट रे लिख देते हैं, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल All lies in same plane. यह है पहला. सेकेंड यदि हम बात करें, when light goes from one medium to another medium, frequency of light does not change but velocity and wavelength चेंज. क्या कहेंगे कि जब लाइट रे है वो ट्रेवल करती है भाई एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम क्या देखेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड. एक तरीके से हम बात करें कि एक सेकंड में कितने चक्कर वो लगाती,
ये नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा साउंड वाले केस में हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ की कितनी दूर तक वो जाएगी ये चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी किस स्पीड के साथ जाएगी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी भाई यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, थर्ड और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है द प्रोडक्ट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन साइन कंपोनेंट एंड ये साइन मैथ वाला साइन है भाई, ये इन साइन कंपोनेंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो क्या होता है, जो पहली दो तो आगे होगी काज भाई, जब मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होता क्या है कि यदि लाइट है वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सॉरी डिफरेंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्वियस ही बात। ठीक है, अब इसके ला पे जो सेकंड थर्ड वाला है उस पर थोड़ा ध्यान देने वाला है, वो देखो क्या होती इसमें कि यदि आई हम एंगल ऑफ इंसिडेंट मान ले तो इसको हम लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन क्या है हमारे पास भाई, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है अभी बताएंगे आपको, एन है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यदि हमारे पास दो मीडियम दे रखे हो टू मीडिया इन कॉन्टेक्ट तो क्या होगा उस टाइम पे n1 वन साइन आई वन इज इक्वल टू एन टू साइन आई टू। ठीक है, एन टू क्या है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का, n1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का, आई टू और आई वन दो एंगल हमारे पास, यदि हम क्या मान ले आई वन इज इक्वल टू आई और आई टू इज इक्वल टू आर, तो n2 सॉरी n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, इसको हम मैं लिखूं तो साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n, और इसको मैं लिख सकता हूं किस तरीके से 1 एंड 2, ये इसको डिनोट करने का है भाई, ये 1 ऊपर है मतलब n2 अपॉन एन वन टू का मतलब क्या होगा एन टू अपोन एन वन, और टू एन वन का मतलब क्या होगा एन वन अपोन एन टू, ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और ये वैल्यू हमने किसके इक्वल बताई एक कॉन्स्टेंट के, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स ला, स्नेल्स ला के नाम से भी हम इसको पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसका दूसरा नाम है भाई स्नेल्स ला। ठीक है, कुछ नहीं, एक हमें शुरू में एक चीज बताई गई थी ये वाली, ठीक है, कि यदि दो है हमारे पास उनका जो भाई ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इन दोनों की प्रोडक्ट करवाओ वो कॉन्स्टेंट आ जाएगी, ये चीज पहली बताई, फिर हमने मान ली दो मीडियम तो भाई दोनों का इक्वल होगा ये वाला और ये वाला पोर्सन, ये एंगल आई, अब हमने क्या किया आई वन को आई मान लिया और आई टू को आर, ये रिजल्ट आ गया, फिर हमने क्या बता दिया कि ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये था, अब इसमें कुछ चीजें यूज हुई, ये था आपका पहले तो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक जो हमने पढ़ना था, आगे देखो अभी इसमें अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक टर्म हमने यूज किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है अभी यूज किया था, किससे डिनोट कर रखा था एन, अभी हम इसको भाई एन से डिनोट कर रहे हैं, जब आप ट्वेल्थ में हो जाओगे तब हम इसको म्यू से डिनोट करेंगे, किसे डिनोट करने वाले हैं म्यू से। ठीक है,
तो डेफिनेशन देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू सी बाय वी। एन भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए डिनोट, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। यदि हम सबसे कम की बात करें तो एयर का होता है कितना होगा 1.0003 है शायद, यही 03 मान लो, 03 है भाई, इसको चेक कर लेना, शायद तो 003 ही है भाई। और सबसे ज्यादा है डायमंड का 2.42, ये डायमंड का है और ये एयर का है सबसे कम, ठीक है। इसको भी चेंज कर दो 1.003, और ये डायमंड का है 2.42, सबसे ज्यादा सबसे कम। स्पीड ऑफ लाइट ये हमें पता होती है 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होगी, और वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जिसकी भी हमसे पूछेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे चाहे वो एयर का पूछे चाहे ग्लास का पूछे, उसकी स्पीड नीचे आ जाएगी। दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज और ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, इसको इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है हमारे पास इसकी, जैसे ये आ गई, ठीक है। ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। उसके बाद हमने एक चीज और बताई थी अभी, जो बोला था कि क्या होगी वो देख लेना, हमारे पास दो मीडियम दे रखे भाई, ये नॉर्मल, ये पहला मीडियम, ठीक है। ये हमने मान लिया एयर, ये क्या मान लिया ग्लास। यहाँ पे एक केस और मान लेते हैं, चलो इसी से समझ जाएंगे। ये इसको इधर आना था, ये ऊपर, ये आई एंगल, इसको नोट डाल के लिख सकते हो आप। When the light travel from rear to denser medium, the speed of लाइट डिक्रीज, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, ये फर्स्ट पॉइंट मान लेना भाई। एंड
इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. सेकेंड, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज एंड इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये दो पॉइंट लिखे भाई, दो पॉइंट को देखो, इस डायग्राम को देखो. पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. ये रेयर मीडियम था, इससे किस में ट्रेवल कर रही है, डेंसर में. द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज एंड इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. इसको यहां से जाना था, यदि स्पीड में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता तो ये बिल्कुल सीध जानी थी यहां इस पाथ से. लेकिन स्पीड डिक्रीज होगी तो ये नीचे की साइड आ जाएगी. स्पीड जैसे ही डिक्रीज होगी तो जो नॉर्मल है ना, इसकी साइड मूव करने लगी, इस साइड आ गई. इसलिए हमने क्या लिखा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी. सेकंड वाला केस देखो, इसमें क्या है, डेंसर से रेयर में आ रही है, भीड़ वाले इलाके से खुले में आ रही है, तो स्पीड इंक्रीज होगी. जैसे आप मार्केट से बाहर जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है. उस केस में हम क्या देखेंगे, इसको इधर से जाना था, यदि स्पीड में चेंजमेंट नहीं आता, ये ऊपर की साइड जा रही, इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज. इसलिए कहां जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये था आज का लेक्चर हमारा. सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, पेपर में आ सकती, इनमें से रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी था हमारा, ठीक है, इसको तरीके से पढ़ लेना एक बार. ठीक है, थैंक यू.